नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा समीप हिंदू मुस्लिम एकता विचार मंच के द्वारा विजयदशमी पूजा अभिनंदन समारोह शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पटना सिटी SDO सत्यम सहाय, पटना सिटी SSP अतुलेश झा एवं पटना सिटी DSP डॉक्टर गौरव कुमार टू ने अपने हाथों से संपन्न किया। तीनों उद्घाटनकर्ता का स्वागत हिंदू मुस्लिम एकता विचार मंच के सदस्यों के द्वारा माता जी की चुनरी एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक शमशेर खान ने बताया कि इस दो दिवसीय विजयदशमी पूजा अभिनंदन समारोह शिविर में तकरीबन 250 से अधिक पूजा समिति के पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं माता जी की चुनरी उठाकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य पूजा समिति श्री श्री बड़ी देवी जी मारूगंज, श्री श्री बड़ी देवी जी महाराजगंज, श्री श्री बड़ी देवी जी दलाटा, बड़ी देवी जी नंद गोला कचौड़ी गली चांदी की देवी जी के शशि शेखर रस्तोगी, हाजीगंज गबड़ा पूजा समिति के पुजारी गोविंद पांडे एवं गबड़ा पूजा समिति के सदस्य हाजी केला, पूजा समिति के अध्यक्ष नितिन कुमार रिंकू जी खाजे केला, बड़ी देवी जी की पूजा समिति के अध्यक्ष ट्विंकल गुप्ता, टेढ़ी घाट पूजा समिति के अध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा एवं सज्जन ठाकुर को अंग वस्त्र माता की चुनरी एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य को भी सम्मानित किया गया। आप लोगों ने जो ये व्यवस्था की है, ये काफी अनोखा है और सकारात्मक पहल है। यह पूजा सभी धर्म के लिए होता है। हमारे देश की यही विशेषता है कि सभी धर्म के पर्व त्यौहार को सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं और त्यौहार शांति से बीते हैं, हर्ष उल्लास से बीते हैं। इसके लिए प्रशासन हम तो है ही, बट जनता का सहयोग सर्वोपरि होता है। तो ये जो सिविल सोसाइटी की तरफ से ये जो आपका कदम उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग मिलकर इस पर्व को एंजॉय करें, अच्छे से शांति से इसे मनाएं। बहुत बहुत सहयोग रहे प्रशासन का सारे जो इसी प्रकार से अच्छे से बता दिए, लोगों के बीच में बेहतर समन्वय रहे, सामंजस्य रहे, यही चाहिए।